ओम नमः शिवाय, प्रणाम। भगवान शिव के कहीं रूप हैं, कहीं रहस्य हैं और उनके बारे में हर कोई इंसान है जो नहीं जानता है कि भगवान शिव है वो क्या है और उनकी साधनाएं क्या हैं, उनके पुत्र क्या हैं, कितने हैं, उनकी पत्नियां कितनी हैं, ये सारा ही एक रहस्य माना जाता है। बहुत से ग्रंथों में अलग अलग वर्णन दे रखा होता है, बहुत सी जगह सर्च करते हैं तो उनके बारे में नई नई खोज देखने को मिलती हैं। बस इन्हीं पर आज चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि भगवान शिव के पुत्र कितने थे और उनकी पत्नियां कितनी थी और कौन कौन थी। आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल पर अगर यहां तक आए हैं वीडियो देखते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। भगवान शिव के कहीं रहस्य हैं, जो कि रहस्य की बात यह है कि भगवान शंकर का जब पहला विवाह हुआ था तो उस समय प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। फिर जब वे क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई थी, जब उनका यज्ञ कुंड चल रहा था तो उस समय शिव जी को न्योता नहीं दिया था, सब देवताओं को आमंत्रण किया उस समय, तो इससे वो क्रोधित होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने को भस्म किया था। तो फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया था और दूसरा जन्म लिया था राजा हिमाचल, अथवा उनका दूसरा नाम हिमवान है, तो उनकी पुत्री बन के वो आई थी जिन्हें गौरा या पार्वती नाम से संबोधित किया गया। और उन्होंने फिर शिव जी को ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्याएं की, बहुत सारी तपस्याएं की। जब भगवान शिव को पता चला कि ये इसका जो शलभेद क्या है, तो उन्होंने पता लगाया कि ये शादी करना चाहती है, तो फिर बहुत से देवताओं की समझाइश के आधार पर फिर शिव जी ने उनसे शादी कर ली और पार्वती को खुश कर दिया। तो एक रहस्य ये भी है कि दूसरी पत्नी के रूप में पार्वती थी, जो पहली पत्नी थी वो सती थी। अब लोग मानते हैं कि जैसे बहुत सारे इस धरती पर देवी देवताओं को पूजे जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी पहले कई मानव रूप में, जैसे भगवान राम को ही आप देख लीजिएगा, तो वो भी पहले एक मनुष्य जीवन उन्होंने भी जिया धरती पर, फिर वो एक महान कहलाए और आज उन्हें भगवान रूप में पूजा जाता है। ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए जिन्हें लोग काफ़ी पूजते भी हैं, तो ये हर धर्म में होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन भगवान शिव हैं वो एक स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब ये होता है कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने जो जन्म लिया था वो उनका एक मतलब जन्म का तरीका है या उनकी शक्ति का जो भी है, तो वो एक मानव शरीर से वो पैदा नहीं हुए थे, मानव शरीर से उत्पन्न नहीं हुए थे, वो एक स्वयं शक्ति हैं जिन्हें मनुष्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो एक शक्ति रूप हैं कि धरती है या नहीं है, पाताल लोक है या नहीं है, सृष्टि है या नहीं है, तब भी भगवान शिव थे और अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा भगवान शिव के बारे में बहुत सारे रहस्यों को देखा होगा आपने, लेकिन इनके पुत्रों के बारे में विशेषकर बात आती है कि इनके पुत्र कितने हैं। तो वैसे तो इनके दो पुत्र ही माने जाते हैं, जो कि भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश, जिन्हें हर कोई अपने शुभ कार्य करने से पूर्व गणेश पूजा की जाती है, तो ये दो ही माने जाते हैं। लेकिन इनका आपको कहीं और भी पता चला होगा, आपने कोई ऐसी सर्च किए होंगे कोई ग्रंथ वगैरह, तो इनके चार पुत्रों का और भी वर्णन आता है, तो ऐसे मिलके इनके छह पुत्र माने जाते हैं। अब वो चार पुत्र अलग कौन से थे, तो एक उनका नाम आता है आनंद, कर्दम, श्रीद और सिकलित, ये चार नाम और आते हैं। और पहले तो कार्तिकेय और गणेश है ही जो मुख्य, तो ये चार और दो छह हो गई, यानी छह पुत्रों के इनके नाम आते हैं, जो कि एक रहस्य है। अब है या नहीं है, थे या नहीं है, इनका रहस्य तो अब ग्रंथों में इतना खुलता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि बहुत से ग्रंथ अपन देखते हैं पढ़ते भी हैं
तो उनका अलग अलग है, किसी में कोई और लिखा हुआ होता है, किसी में कोई और लिखा हुआ होता है, सभी में कोई सेम जो वर्ड होते हैं वो नहीं होते हैं। तो एक रहस्य ये भी है। तो आज आपको यही बताना चाहते थे कि भगवान शिव के कितने पुत्र हैं, 6 या 4, उनकी पत्नियां। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।